लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, 22 सालों से उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा हूं, आज उसी इज्जत को अपने कदमों तले रौंद कर घर कैसे जा सकता। दारा तुम्हें जान से मार देगा, उससे बचोगे तो हिंदुस्तान की फौज तुम्हारी जान ले लेगी। हम तो कब से अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, कम वक्त कोई लेता ही नहीं। क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। पानी से प्यास न बुझी तो मैखाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर खुदा भी तेरा आशिक निकला। दारा तुम्हें जान से मार देगा, उससे बचोगे तो हिंदुस्तान की फौज तुम्हारी जान ले लेगी। हम तो कब से अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, कम वक्त कोई लेता ही नहीं।